चलिए हर हर महादेव। रमागर मुंडे, रमागर मुंडे जी, मुंडे जी की जय। मुंडे मीडिया एक्शन सर, एक्शन एक्शन एक्शन। यस सर। सर रूम मैडम जी को थोड़ा ऐसे पीछे थोड़ा पीछे फोटो हो गया सब प्रॉपर मैडम, थोड़ा पीछे हो गया। फोटो आ गया। चलिए ओके सर। आज जो हम कर रहे हैं, आने वालों दिनों में दूर ये जो
जो ये जो ये समझते हैं कि कुछ ही कुछ लोगों को कुछ करने के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये तो अभी इनका नाम लेने का प्रसंग नहीं है। मैं इसलिए किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, सभी बहुत ही आप बहुत ही अलग समझदार हैं कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। उनके आज आप आने वाले दिनों में देखोगे इतने बुरे हाल होंगे कि जो जो उन्होंने भी कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी इस तरह से बुरे हाल होंगे। लोग कैसे कैसे माफ करेंगे? अब कश्मीर भाई जैसे इंजर का वो अपना विरोध कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि आज 32 साल से दो पीढ़ी शोषित इनके ऊपर न होने जैसा कोई ऐसा अत्याचार नहीं कि इससे जो बुरा हो, इतने बुरे बुरे अत्याचार सच्चाई कुछ दिखाई, वो भी कुछ सच्चाई दिखाई है। अगर बुरा दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता उनका हाल। और अभी देखिए ये कश्मीर फाइल बनी है ना, अभी इनका एक हालांकि ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की जनता के लिए तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने विरोध किया। अभी आने वाले उसी समय में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी जो अपने जो 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 ऐसे जो पीड़ित शोषित हैं उनको बलम पड़ने का काम करेंगी, उनको जो भी कुछ यात्रा सहन करनी पड़ी उनको उनको पूरा पूरा जो उनको उनको एकदम जो आश्वासन मिलेगी। यूपी जी और जनाया जी को, यूपी जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो बेहतरीन एक्टर्स तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं शुभेच्छा दूँ कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज सीरियल्स और मूवी बनती रहे और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में जैसे कश्मीर फाइल है ये टाइप की अच्छी अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसे शुभेच्छा। इन्होंने जैसे अभी तक हमारी जो बात हुई सच्ची घटना में तो है, प्लस इन्होंने ऐसे भी बता जैसे कि वुमन एम्पावरमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हमें चर्चा की हुई है, क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ इजीली मतलब लोगों की तरफ पहुंचने का एक बहुत इजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ एक मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं बट हम वुमन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुंचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहाँ तक हम लोगों तक पहुँचे। तो आज कीर्ति जी ने एक लोगों तक एक संदेश पहुंचा दिया है कि मैं जो तरफ से दिल से भी मन से भी हर एक तरीके से मैं भाजपा के साथ जुड़ी हूं और उनके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, ये उन्होंने संदेश लोगों तक पहुंचा है, इसीलिए तो हमने आज का दिन चुना है। और एक हमारा जो बिजनेस सेल के माध्यम से जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी जय जरीवाला जी, हमारे जय जोशी जी और मैं अल्पेश शाह जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग से जितनी भी हो सके क्योंकि हमने एक हमारी वुमन सेल अलग से बनाई हुई है, इनके प्रोडक्शन हाउस को हमसे जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे। थैंक यू सो मच। राइट हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे कि नाम है अभी पहली मतलब बस यही होप करूँगा कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे यार। Thank you, Dr. Sir. Best of luck.
आपके ऐसी जर्नी के बारे में बात करें तो कैसा लगा अभी तक आपका जो शो है और जो आप रोल लेकर अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे, कुछ 13 ईयर्स हो चुके हैं मैं जब चार सौ कहता था तब से काम करा, तो काफ़ी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है हर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया है शूटिंग जो आपने किया है उसके बाद बताएगी क्या एक्सपीरियंस आगे क्या बने चलता रहे हैं जी। मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जिसमें एपिसोड किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था जिसमें कि हम लीड थे और पेशवा बाजी जिसमें का बेटा बना था और वो भी लीड किया था, और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा वायरल की है, और एक वेब सीरीज है स्कैमी जो कि लीड में है, उसका भी डेट नहीं आया बट वो जल्दी रिलीज होगी। यही लोग करूँगा जैसे बाकी नाम के विषय जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं लगता हूँ कि ये अच्छी स्टोरी और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे, और मेरी दिल से शुभकामना है उनको, ऑल द बेस्ट सर। आपकी क्या कहते हैं जी जी जी, सो थैंक यू सो मच कीर्ति हजारकर जी और इन्वाइटिंग मी, कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज़ अ वंडरफुल वूमेन, देखिए उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एक्ट्रेस, और अब उन्होंने अभी खाली एंटरटेनमेंट के नाम से जो है प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर माई बेस्ट विशेज। कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत के लिए, और कीर्ति जी का ऐसा है कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो समाज सेवा में भी बहुत जुड़ी रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वो समाज के लिए, मुझे लगता है कि जो जो सब्जेक्ट्स लाएंगे वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी, और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से काफ़ी उन सब्जेक्ट्स को और उन इश्यूज़ को ज़रूर उठाएंगी, जिससे कि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी का काफ़ी फायदा भी होगा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो इन्होंने खोला है केवल एक मैं ये समझता हूँ जो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को कि ये बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक समाज सेवा और सोसाइटी के लिए भी ये वर्क करेगा ये प्रोडक्शन हाउस इसके माध्यम से। अभी मैं साहब के साथ गदर टू कर रहा हूँ, मैं आज ही अभी शूटिंग से लौट के आया हूँ, हमारा अगला शेड्यूल अब लखनऊ में है, तो ये प्रोडक्शन जो आनंद शर्मा सर का है वो मैं कर रहा हूँ, और कीर्ति जी के साथ भी ज़रूर जो भी आगामी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी हम कुछ कर सकें। सबसे पहले इज अ वेरी गुड सोल, सोल इनर एंड आउट टू बहुत कम दिखाई देता है आज दुनिया में, ऐसे इंसान एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं आपको काम लोग हो सकते हैं, और साथ में लोग आपका सेंस है लेकिन उनको तो प्रोडक्शन में आना ही चाहिए, हैप्पी 8 ईयर्स बातें होती रहती थी ऐसी आर्ट पे, फाइनली शी इज डूइंग इट, वेरी हैप्पी बट अबाउट योर काम कर रहे हैं अभी, तो इट्स जस्ट वेब सीरीज सिंपल की जीवन के लिए ग्रेट वेडिंग फॉर मूवीज मैं बहुत अच्छी बैनर्जी है, बसपा सिंह है, तो वो अभी ईयर एंड में आएगी, और 3 फिल्में हैं जो रिलीज होंगी, एक है क्या मस्ती क्या, तो मैं
करते हो एक है मनोहर पुन्नी की शासन जिसमें मैं शेयर सड़कनी थी और कनिका तिवारी राजपाल वर्गी या राजपाल वर्गी ये सारी फिल्में और एक मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है गुरचढ़ इसी सीरीज की फिल्म है जिसमें संजय दत्त सर है मैं हूँ पार्थ सम्मान है खुशाली कुमार है इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ जब मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स वेरी गुड फ्रेंड्स फरारी की सवारी तभी हम मिले थे एंड यू नो वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स एंड तभी मैंने इसको बोला था विच वाज आई थिंक 12 इयर्स अगो कि यू नो रफली कि मैं एक दिन प्रोडक्शन हाउस शुरू कर सकती हूँ और मैं एंड यू गाइस हैव टू बी देयर यू नो देयर इज अ टीम ऑफ अदर गाइस आल्सो यू नो एंड वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सो मैंने बोला कभी यू हैव टू बी देयर आई एम सो ग्लैड दैट यू नो ही हैज मेड या ही हैज मेड सो मच ही डन सो वेल इन हिज करियर बिकॉज़ एट दैट टाइम ही वाज आल्सो स्टार्टिंग आउट या जस्ट फर्स्ट मेजर रोल या फर्स्ट मेजर रोल एंड ही हैज कम अ लॉन्ग वे इन दिस 12 इयर्स एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट that you know he has come for the special event of ours. Oh, thanks for helping to work with Epiphany. Epiphany. आज यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग है जो आपके हाथों से की गई है और सही बात है कि एक अच्छे दिन पर एक नई शुरुआत हो रही है Epiphany का मतलब है पराकाष्ठा की क्षण और उस क्षण पर आज ये उद्घाटन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे निडर कार्यकर्ता हमारे कीर्ति जी हैं और उनके कार्यकाल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की जो उनकी प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के माध्यम से इस एंटरटेनमेंट जो उनकी कंपनी है उसके माध्यम से निश्चित रूप से उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर टीवी शो के अंदर आज एंटर हो रही है उनके अंदर और कीर्ति जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से एडवाइज होगी कीर्ति जी को कि जो वो फिल्में या टीवी शो लेकर आए जिसे जिसे कश्मीर फाइल है जिसे पीएम मोदी ने भी जिसकी बात की लोगों को देखने इस तरह के कंटेंट वो जो लोगों के सामने आए वैसे सोशल फील्ड में कीर्ति जी बहुत सालों से हैं तो निश्चित रूप उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी होगा और उनके नेतृत्व में फिल्म इंडस्ट्री में नए नए से जैसे आपने अभी बताया कश्मीर फाइल ऐसी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर्स हैं जिनको रिलीज करने में वो मदद करेंगे निश्चित रूप से थैंक यू और मेरा हौसला मेरी हौसला ठीक आज हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एंटरटेनमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसके दो पार्टनर्स हैं कन्या कन्या प्रभु और एज एज अडा इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ इधर उधर तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी को और चाहती हूँ इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है इतनी बड़ी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड में कर सकता है तो अभी आप देखते हैं हम बच्चों को मॉन्टेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक और आप अभी देख रहे होंगे कुछ कुछ मूवीज ऐसी आ रही हैं कि जिसकी जो मूवीज हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी अदर्स यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती है लोगों में लोगों के सामने सच्चाई ला सकती है जो सबको पता नहीं होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज
की वो हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने किसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा, तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा कुछ सच सबके सामने रखूँ। ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं, मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर लेके कुछ करना है तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं जो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, है ना। क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही है या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे, मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो वो हम अगर एज ए प्रोड्यूसर कर सकते हैं। सबके हुआ से आप सबके आशीर्वाद से। आपका नाम बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ने के साथ ही प्रोडक्शन हाउस से, तो क्या किस तरह के सब्जेक्ट को लेकर लगता है आपके लिए सब्जेक्ट पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि ये पार्टी के साथ भी अच्छी होगी। बीजेपी ने बहुत बड़ी विजय पद लिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, फिल्म और टीवी रिश्ते पोस्ट की प्रभार बनाया है, तो मैं समाज सेवा बहुत पहले से करती हूँ और मैं हमेशा ये मेरा मानना रहा है कि समाज सेवा ये कोई ऐसे आज मैं उठ के समाज सेवा करती हूँ ऐसा ये भाव नहीं, समाज सेवा ये अंदर ही होती है, स्वभाव होता है, सोशल वर्क इज़ एन एप्टीट्यूड एट द सेम टाइम ये आपने आपका स्वभाव होना चाहिए। चलते चलते देखना आप अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसे देख के चले जाते हैं, कुछ दो चार लोग होते हैं वो सामने जाके उसको मदद करते हैं, तो वो लोग हैं जिनके अंदर समाज सेवा का बीज या समाज सेवा का स्वभाव उनके मन में है, इसीलिए वो रुके और उन्होंने वहाँ पे मदद की। तो समाज सेवा ये स्वभाव है, ये कोई आप आज मुझे समाज सेवा करना है करके हम नहीं कर सकते, वो आपके अंदर होना चाहिए तभी आप कर सकते। बहुत पहले से मैं कुछ ना कुछ करती, मेरा तो भाई हमेशा कहता था रास्ते से जाते से कुछ दिख गया या अरे आई इसको पकड़ो नहीं तो ये जाके अभी अपना एक घंटा बर्बाद करेगी तो ये दैट वॉज इन माई नेचर आई विल से दैट वॉज ऑलवेज देयर विद मी आई कैन से। तो जो शब्द है इट मीन्स कि आप पहुंचे बहुत गहरा, यू हैव सम रियलाइजेशन जो कि मेकअप होता है समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब मॉम अराउंड 30 इयर्स से इस फील्ड में है, हमने शुरुआत थिएटर से की दिल्ली में, स्टोरी स्टोरी सो माय सिस्टर जो है फाइनेंशियल जर्नीस की बहुत सारे क्या लास्ट है जो है बिजनेस, तो मैं मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड, तो फॉर अस ऑल ऑफ अस इन आवर करियर इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लेट इन द मोमेंट ऑफ एपिफेनी कि आपको कुछ रियलाइज होता है कि अब हम क्या करें, जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया है, इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर ऑल इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग मोमेंट ऑफ एपिफेनी सॉरी सो टू स्पीक। सो उस हिसाब से एपिफेनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा बिकॉज वो हमारे लिए सच अ बिग मोमेंट, यू नो यस हमारा कन्विक्शन था दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स हाउ इट इज। द आइडिया इज टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज ऐसा कॉन्टेंट जो यू नो जो हमें व्हाट वी फील बिहाइंड इट, एपिफेनी रियलाइजेशन कन्विक्शन दैट
उसकी स्टोरीज ऐसा काम ऐसा लेके बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी यहाँ से जर्नलिस्ट की रहा है मैं जर्नलिस्ट हूँ और तभी हम काफ़ी स्टोरीज देखते हैं जो हम कवर करते हैं एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो दो मिनट में नहीं बता सकते या वो एक पेज में पूरी कहानी नहीं आती है सो देर आर मेनी अनटोल्ड स्टोरीज जो मुझे लगा कि मुझे बतानी है लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं अगर रास्ते में कोई जाते जाते आप कुछ देख लेते हैं अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीजन तो यू काफ़ी हमारी ये बड़ी कहानी ये भी एक कहानी ये तो हर नुक्कड़ हर पौधा में एक कहानी मगर हम सिर्फ वही एक बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पे सिर्फ वही देखते हैं पर आज कॉन्टेंट इज द की आज कोई एक स्टार नहीं रहा है आज अगर अच्छी स्टोरी है अच्छा कॉन्सेप्ट है तो हर स्टोरी अपने आप सेट हो जाती है स्टोरी स्टार हो जाती है तो ये एक सही वक्त है और हमें लगा कि यही एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए जिसके माध्यम से हम वो अनफोल्ड स्टोरीज को जान ले सकें तो आपने कहा कि स्टोरी जो है वो स्टार्ट होता है किस तरह से आप क्या नए चेहरों को भी इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मौका देंगे जी बिल्कुल हम नए चेहरों को भी मौका देंगे हम चाहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट उनको हम मौका दें अच्छे अगर कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें हम चाहते हैं कि टैलेंट कम्स आउट टैलेंट इज ब्रॉट आउट इन तो हमने जैसे सबने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया टाइम का हमने भी किया है और अभी एक वेब सीरीज जो है जो इमीडिएटली अभी हमारी लॉन्च फ्लोर पे जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स उसके अलावा हमारे 3 फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं तो एक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स का हम पैकेज लेके अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओके हमारी सीरीज है हमारी नेक्स्ट मंथ एंड में प्रोडक्शन में जाएगी मूवी है ईयर एंड तक सारी प्रोडक्शन शुरू होगी हम लोगों की बात करें तो लोगो भी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी डिफरेंट है तो लोगों पे किस तरह से आपने ये लोगों की वापस किया जिसमें हम एक आई देख पा रहे हैं और मोड कम देख पा रहे हैं जैसे बताया एपिफनी में आपको कुछ एक ब्रह्म ज्ञान मिलता है और साक्षात्कार साक्षात्कार का जो क्षण है उसे कहते हैं और साक्षात्कार भी कब से जो आपकी तीसरी आंख है उसे भी आपको साक्षात्कार ज्ञान चक्षु से वो जब खुलेगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और वो ज्ञान आपको तभी मिल सकता है जब कृष्ण भगवान अगर साथ है उनका आशीर्वाद है तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं तो ये ज्ञान चक्षु उनके बिना नहीं खुल सकता सो दैट इज द तो आई का जो सिंगल भी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कल्चर में आई का सिंगल इम्पॉर्टेंट है अब कुछ लोग जो हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूट थ्रीज वगैरह भी बनाते हैं उसमें लेकिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंगल सिंगल डीप मीनिंग आप US डॉलर की नोट पे देखेंगे वहाँ पे भी एक आई का सिंगल है आप या आप जो शमसा करते हैं वो एक एमुलेट होती है आप कभी भी मिडल ईस्ट में इजिप्ट वगैरह में घूमने जाएंगे ग्रीस वगैरह में हैव अ ब्लू आई सो ये कलर पैलेट वगैरह इट्स ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दीज जो शमसा का जो ग्रीक एमुलेट उसका जो ब्लू एंड ग्रीन उससे ये हमारे कलर से वो इंस्पायर्ड है तो ऐसा इट्स अ यूनिवर्सल थिंग समथिंग दैट हैज रेजोनेंस थ्रू आउट कल्चर्स थ्रू आउट सिविलाइजेशंस तो वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति हो हमारे जो टाइटल है उसकी जो लोगो है हमारा एनिमेशन रील है उसके साथ कितनी कनेक्ट कनेक्ट कनेक्शन हो बिकॉज दैट्स हाउ वी थिंक कि हम हैं सभी से जुड़े हुए लोग हैं बट अलग घूमने जुड़े हैं एट लोकल वी थिंक लोग ऐसा थैंक यू सो मच